उत्तर प्रदेश में आज दूसरे चरण की 67 सीटों पर बम्पर वोटिंग हुई। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक कल शाम 5 बजे तक 65.5% वोटिंग हुई। आज यूपी में 11 जिलों की 67 सीटों पर मतदान हुआ। 67 सीटों पर 720 प्रत्याशी मैदान में हैं और अब सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई है। चुनाव आयोग के मुताबिक चुनाव के दौरान 16,52,00,000 कैश और 3,29,000 लीटर शराब और कम से कम 1 किलो सोना भी बरामद किया गया है। एनएसएस, एनसीसी और दूसरे वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में कोलैबोरेट करके इलेक्टोरल मशीनरी ने बहुत अच्छा काम किया और मैं ये समझता हूं कि ये सारे इंतजामात के चलते जो बहुत अच्छी पार्टिसिपेशन वोटर्स की देखने को मिली और 5 बजे तक ऑलरेडी 65.5% हमारी वोटिंग हो चुकी थी एंड स्टिल काउंटिंग। जिस तरीके का अब टोन सेट हो चुकी है फर्स्ट और सेकंड फेज में, मैं ये समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन अपने सारे इंतजाम करते हुए आगे के फेजेस को भी पूरी तरह से फ्री, फेयर, इंक्लूसिव एंड पीसफुल तरीके से कंडक्ट करेगा। यूपी में दूसरे चरण में आज लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया। आम लोगों के साथ वीआईपी ने भी मतदान करने के लिए वहां पर पहुंचे, पोलिंग बूथ पर पहुंचे। दूसरा चरण सीएम अखिलेश के लिए बेहद ही अहम रहा क्योंकि 2012 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को यहां शानदार कामयाबी मिली थी। यूपी में दूसरे चरण के लिए भी धुआंधार वोटिंग हुई। 11 जिलों की 67 सीटों पर सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हुई जो शाम 5 बजे तक चली। सुबह से ही पोलिंग स्टेशन पर वोट डालने के लिए लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। क्या खास क्या आम, सभी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे। वोटिंग को लेकर महिलाओं में खासा जोश नजर आया। महिलाएं बड़ी संख्या में वोट डालने के लिए घरों से निकली। बुजुर्गों में भी मतदान को लेकर उत्साह दिखा। बड़ी संख्या में बुजुर्ग भविष्य की सरकार चुनने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंचे। उधर वीवीआईपी भी पोलिंग बूथ पर वोट डालने के लिए कतार में खड़े नजर आए। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी अपनी पत्नी के साथ रामपुर में वोट डालने पहुंचे। नकवी ने लाइन में लगकर वोट डाला। रामपुर में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान का पूरा परिवार वोट डालने पहुंचा। बरेली में वित्त राज्य मंत्री संतोष गंगवार ने अपनी पत्नी के साथ वोट डाला जबकि पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने शाहजहांपुर में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो इसके लिए सुरक्षा के भी कड़े बंदोबस्त किए गए थे। भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती के साथ साथ पोलिंग बूथ पर नजर रखने के लिए ड्रोन कैमरों का भी सहारा लिया गया। हालांकि वोटिंग खत्म होने से पहले ही नेताओं ने अपनी अपनी जीत के दावे भी ठोक दिए। मुझे अभी तक की रिपोर्ट यही मिल रही है कि पहले चरण की तरह ही आज दूसरे चरण में भी बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवारों को एक तरफा बड़े पैमाने पे वोट पड़ रहा है। हम तो सवेरे से ही खबर पा रहे हैं कि साइकिल की रफ्तार बढ़ती जा रही है और तीसरे चरण तक जब तक चुनाव आएगा जैसे हमारा एक्सप्रेस वे चल रहा है रफ्तार से, उससे ज्यादा रफ्तार से हमारी साइकिल यहां पर चलेगी। दूसरे चरण के चुनाव में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं के असर की भी परीक्षा है। रामपुर से रसूखदार मंत्री आजम खान और स्वार से उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की सीट पर सबकी नजर है। बीजेपी के विधानमंडल दल के नेता सुरेश खन्ना शाहजहांपुर से उम्मीदवार हैं। तिलहर से कांग्रेस सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे जितिन प्रसाद भी विधायक बनने के लिए मैदान में हैं। मोदी के खिलाफ बोलकर लोकसभा चुनाव में चर्चा में आए कांग्रेस के इमरान मसूद का दम भी सहारनपुर में दांव पर लगा है। वहीं केंद्र सरकार में मंत्री मेनका गांधी, कृष्णा राज, संतोष गंगवार का वोटरों में प्रभाव भी चुनाव की कसौटी पर कसा जाएगा। बहरहाल दूसरा चरण सीएम अखिलेश यादव के लिए बेहद अहम है। दूसरे चरण की 67 सीटों में एसपी ने 2012 में 34 सीटें जीती थीं, जबकि बीएसपी को 18 और बीजेपी को 10 सीटों से संतोष करना पड़ा था। कांग्रेस को महज 3 सीटें ही मिल पाई थीं।
यही वजह है कि इस चरण में सीधे अखिलेश की प्रतिष्ठा दांव पर है। हालांकि एसपी के रणनीतिकारों को कांग्रेस के साथ गठबंधन के बूते 2012 का प्रदर्शन दोहराने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7।